दोस्तों आज के इस वीडियो में डिश टीवी रिसीवर के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी खराबी होती है और हमें टेक्नीशियन के पास लेके जाना पड़ता है, तो अब ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, इसमें होने वाली छोटी मोटी जितनी भी खराबियाँ हैं आप आज बिल्कुल सीख जाओगे। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर चैनल को अब तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और इसको ओपन करते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो दोस्तों तो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो इसको ओपन करते हैं और इसमें आप देख लो, इसमें दो ही सेक्शन है, जैसा कि तीन बोर्ड आपको दिख रहा है बट एक साउंड के लिए अलग से बोर्ड लगा हुआ है। एक पावर सेक्शन बोर्ड, ये है साउंड सेक्शन बोर्ड। अब जानते हैं इसके बटन के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं, ये पावर बटन यानी ऑन ऑफ के लिए बटन है। ये हो गया वॉल्यूम प्लस माइनस, इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे मेनू का बटन है, ये चैनल प्लस माइनस और बीच वाला बटन ओके जो टूट चुका है, ठीक है। ये वॉल्यूम बटन और ये बास और ट्रेबल के लिए बटन दिया गया है, यानी अगर घर पे आपका छोटा मोटा पार्टी है तो आप इसी से बजा सकते हो बॉक्स वगैरह। और ये इसके पीछे स्पीकर जोड़ने के लिए ये पॉइंट दिया गया है, प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर आप दो स्पीकर इसमें जोड़ सकते हो। छोटी मोटी घर पे पार्टी अगर हो रही है दोस्तों तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये है LNB इनपुट, और अगर दो TV चलाते हो तो आप इससे आउटपुट निकाल सकते हो दो रिसीवर चलाने के लिए। और ये है दोस्तों AV आउट, पीला वाला जो आप देख पा रहे हो, पीला लाल सादा यानी पीला वाला वीडियो है और लाल और सादा ऑडियो होती है। और ब्लैक जो है, अगर आप ब्लैक एंड वाइट TV चला रहे हो या फिर RF कनेक्शन से चला रहे हो, यदि आपके TV का AV इन ख़राब हो गया तो RF से भी आप चला सकते हो। और ये है पावर बोर्ड यानी पावर सप्लाई बोर्ड, SMPS बोर्ड इसको बोला जाता है खासतौर से। दोस्तों खासतौर से अगर इसमें ख़राबी आती है कुछ भी तो आप सीधे इसको चेंज कर दो, मैं तो बोलूँगा, बट उससे पहले आप देख लेना कि कहीं उसका फ्यूज तो नहीं उड़ा हुआ है। ये देखो इस तरह से फ्यूज एक बॉक्स के अंदर रहता है और जैसे ही आप बॉक्स को हाथ से खींचोगे आराम से निकल जाता है। और यहाँ पर फ्यूज इस तरह से, ये देखो मैं एक बार निकाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फ्यूज इस तरह आपको दिखेगा अंदर में। और अगर फ्यूज कटा हुआ है तो एक बार फ्यूज बदल के ज़रूर देख लेना। ऐसे दोस्तों अगर आप बोलोगे कि SMPS बोर्ड को रिपेयर करना अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, बट मेरे मानना है कि यदि इसमें छोटी मोटी खराबी नहीं हुई है तो इसको सीधे चेंज करना चाहिए। और अगर आपका डेड है, यदि आपका सेट टॉप बॉक्स यानी रिसीवर डेड है, तो आप सबसे पहले ये पावर बटन चेक करना, क्योंकि पावर बटन भी ख़राब होने से, पावर बटन जो ये पुश पुल बटन है यानी जब हम इसको पुश करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, सेकेंड टाइम पुश करते हैं तो ऑफ हो जाता है, तो इस बटन को भी देख लेना। और ये है इसका फंक्शन बोर्ड यानी ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में अगर खराबी आती है दोस्तों तो फिर निश्चित है कि इसको बदलना ही पड़ेगा। ये मदरबोर्ड आपको अप्रॉक्स 350 रुपये में मार्केट में मिल जाता है। इसमें भी क्वालिटी आती है, यदि आप HD लोगे तो हो सकता है कि ज़्यादा ही लगे। और टेस्टिंग गारंटी भी कहीं कहीं मिलता है। और ये है साउंड 6280 IC लगा हुआ है इसमें। यहाँ से देख लो सारा जो भी पीछे का कनेक्टर है यानी LNB इन आउट, सारा इसी बोर्ड में ही फिक्स किया गया है। पहले क्या होता था कि इसमें हम लोग कुछ तार वायर वगैरह जोड़ते थे, बट अब के बोर्ड में, और आपका बोर्ड जो है बहुत छोटा भी आ रहा है, ये बहुत ही छोटा बोर्ड है और पहले से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है। ये 6280 IC एक छोटा सा बहुत ही छोटा सर्किट बनाया गया है और वो भी PMPO चैनल है यानी डुअल चैनल है, अलग अलग आप कंट्रोल कर सकते हो। ये जो वॉल्यूम इसमें लगा हुआ है ये डुअल वॉल्यूम है यानी एक ही वॉल्यूम में दो प्रीसेट लगा हुआ है और दो वॉल्यूम एक साथ काम करता है। चलिए इसको खोल के भी देखते हैं कि कितना कम सामान में 6280 IC को एक्टिव किया गया, यानी एक एम्पलीफायर बनाया गया है 6280 IC जिसमें उपयोग किया गया है मात्र, आपको जानकर आश्चर्य का मात्र है, इसमें दो कंडेंसर और दो दो रेजिस्टेंस, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10K का रेजिस्टेंस है और इसमें दो कंडेंसर, मात्र दो कंडेंसर लगा हुआ है, वो भी 470 माइक्रोफेराड का, बहुत ही कम सामान में लगाया गया। और इसका अगर ऑडियो क्वालिटी की बात किया जाए तो अप्रॉक्स बहुत अच्छा नहीं, अगर आप कह सकते हो तो बुरा भी नहीं है, यानी एक एवरेज साउंड आपको निकाल के देगा ये। और अगर आपके पास अच्छा स्पीकर है तो ये ठीक ठाक आवाज़ निकाल के देगा। समझ लो इतना छोटा सर्किट है, सिर्फ IC को फिट करने के लिए जगह है, इतना छोटा IC है इसमें, है ना। और इसका पावर किट ख़राब हुआ था यानी SMPS बोर्ड जब ख़राब हुआ था तो हमने इसको काट के हटा दिया, क्योंकि मोस्टली मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा था तो इसको हमने काट के हटा दिया है। बट आप इसको अगर जोड़ना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है, इसमें
आप देख लो यहाँ पे इसका पिन लगा हुआ है, इसमें सिर्फ मीटर से प्लस माइनस चेक करना है और इसमें इसको सोल्डिंग कर देना है, बहुत ही आसान है। और अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हो तो आप इस बोर्ड को निकाल भी सकते हो। इस बोर्ड के ऊपर दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एम्पलीफायर का कनेक्शन वगैरह या फिर एम्पलीफायर बनाने के संबंध में इस पर एक वीडियो मैंने सोचा है कि बनाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम, कभी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और 6283 IC एक ऐसी IC है जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी साउंड देती है, बट ये 10 वाट का PMPO IC है जिसको आप 10 वाट इस्तेमाल के लिए कर सकते हो। ख़ासतौर से इसका उपयोग TV के बोर्ड में किया जाता है, कलर TV वगैरह का बोर्ड में किया जाता है। अब तो कलर TV का भी ज़माना ख़त्म हो गया, तो अब इस TV का मतलब इस IC का भी उपयोगिता कम होती जा रही है। बट आपका जितने भी रिसीवर हैं, ख़ासतौर से फ्री डिश रिसीवर, सारे में 6283 IC ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सस्ता और इससे मतलब आसान बोर्ड किसी भी IC से नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसको एक बार कस देते हैं। अगर दोस्तों इसको आप खोले हो तो इसको कस देना बॉडी के साथ, क्योंकि इसकी हीटसिंक बहुत पतला लगा हुआ है और नहीं तो IC कट जाएगा। IC बहुत गर्म होती है करंट देने के बाद। और ये देख लो इसका जो फंक्शन बोर्ड है, यानी इसमें जो इन्फ्रारेड के लिए IR बोर्ड, जो IR का जो कनेक्शन के लिए दिया गया है, यानी सारा कनेक्शन इसी के थ्रू जाता है। तो इसको अगर हम बोर्ड चेंज करेंगे तो इस तरह से इसको खोलना है। पहले हल्का सा हाथ रखेंगे सर्किट के ऊपर, धीरे धीरे खींचेंगे। ये देखो बहुत ही अच्छा ये जो है फीता कनेक्टर बोला जाता है इसको, ये आजकल तो बहुत अच्छा आ रहा है। पहले बहुत ही पतला दिया जाता था और ख़राबी भी बहुत आती थी, बट अब अच्छा कनेक्टर दिया जाता है, फीता कनेक्टर इसको बोला जाता है। और मोस्टली इसकी ख़राबी नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी मोटा तार दिया गया है, एक साइड कनेक्टर है और दूसरा साइड सोल्डिंग किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये ख़राबी इसमें कभी नहीं आती है। और दोस्तों अगर बोर्ड बदलोगे तो आप इस तरह से नीचे हाथ रखना पहले, और इस तरह से ऊपर से पुश करना, क्योंकि अगर हम सीधे इस पर पुश करेंगे तो इसका जो सर्किट है वो बहुत ही महीन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी सर्किट अंदर में इसका जो कनेक्शन पिन है, कनेक्शन वायर जो है इसका, बहुत ही पतला है, तो अगर हम ऊपर से पुश करेंगे, फोर्स डालेंगे, तो हो सकता है इस तरह से कि वो टूट जाए और ये बोर्ड ख़राब हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस सर्किट को चेंज करो, इस फीता को लगाओ, तो नीचे से हाथ जरूर सपोर्ट के लिए डाल देना उंगली, नहीं तो ये बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और रिसीवर में होने वाली छोटी मोटी बीमारी अब आप अपने से ठीक कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।